हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी आर किराना बिजनेस में। फिर मैं लाया हूँ एक और नई वीडियो। गाइस, आज हम बात करेंगे 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती का होलसेल प्राइस कि 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती का होलसेल रेट क्या है, क्योंकि सबसे सस्ता मोमबत्ती आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि सबसे सस्ती मोमबत्ती मात्र 1 रुपये में मैं सबको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको कितना प्रॉफिट होगा 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती को सेल करने पर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे सस्ता मोमबत्ती आपको कितने पड़ने वाली है और कितना प्रॉफिट होगा 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती, एक डिब्बे के अंदर कितनी मोमबत्ती आती है और हम रिटेलर दुकानदार को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, दीपावली में बहुत ज़्यादा सेल होता है और बहुत ज़्यादा बिकता है और सबसे ज़्यादा इसकी मांग होती है, इतना ज़्यादा मांग होती है कि अगर आप एक रिटेलर दुकानदार होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कितना ज़्यादा सेल होता है दीपावली में मोमबत्ती की, जो कि दीपावली में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली मोमबत्ती 1 रुपये वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इस मोमबत्ती को सेल करने पर। क्योंकि देखिए, सब छोटी मोमबत्ती मांगते हैं और सस्ती मांगते हैं, क्योंकि 1 रुपये मोमबत्ती एक डिब्बे के अंदर बहुत सारी मोमबत्तियाँ होती हैं, जो कि ये कस्टमर को सस्ता पड़ता है और हम रिटेलर दुकानदार को भी सस्ता पड़ता है, यानी कि दुकानदार के साथ साथ में कस्टमर को भी सस्ता पड़ता है और ज़्यादा सेल होता है ये 1 रुपये वाली मोमबत्ती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती का होलसेल प्राइस, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ 1 रुपये मोमबत्ती एक पेटी के अंदर कितना डिब्बा आता है और एक डिब्बे के अंदर कितनी मोमबत्ती आती है और हम रिटेलर दुकानदार को पूरी पेटी कितनी पड़ती है होलसेल रेट। क्योंकि देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है मोमबत्ती और सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है इस मोमबत्ती को सेल करने पर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन किराना दुकानदार भाई के पास मेरी वीडियो पहुँच सके और ये जान सके कि 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती कितनी आती है होलसेल रेट और कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन होता है हम रिटेलर दुकानदार को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप गाइस आप देख पा रहे होंगे, ये 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती की पेटी है, जो कि गाइस ये मैंने 2 पेटी लिया हुआ है। ये गाइस 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती एक पेटी के अंदर कितना डिब्बा है और एक डिब्बे के अंदर कितनी मोमबत्ती है और ये पूरी पेटी हमें कितनी पड़ी होलसेल रेट। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती हमें कितनी पड़ी है होलसेल रेट और ये दोनों पेटी हमें कितनी पड़ी है और ये पूरी पेटी सेल करने पर हमें कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको इस पेटी को ओपन करके दिखाऊँगा और डिब्बे को ओपन करके दिखाऊँगा कि एक पेटी के अंदर कितना डिब्बा है और एक डिब्बे के अंदर कितनी मोमबत्तियाँ हैं और एक डिब्बा मोमबत्ती हमें कितने पड़ा है होलसेल रेट। और गाइस, इसके साथ साथ मैं आप सबको बताऊंगा कि 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती बेचने पर कितना फ़ायदा होता है और ये 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती कितना ज़्यादा सेल होता है दीपावली में। क्योंकि देखिए, दीपावली में बहुत ज़्यादा सेल होता है, अदरवाइज बरसात के मौसम में भी सेल होता है, लेकिन दीपावली में बहुत ज़्यादा सेल होता है ये मोमबत्ती की। क्योंकि देखिए, मोमबत्ती 5 बिक्री वाली आती है, 10 बिक्री वाली आती है और 2 बिक्री वाली आती है, 1 बिक्री वाली आती है। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती पर। अगर आप 5 रुपये बिक्री मोमबत्ती लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और मेरी वीडियो को देखिए कि कितना सस्ता पड़ता है और कितना फ़ायदा होता है दीपावली में। बहुत से भाई का सवाल होता है, बहुत से भाई मैसेज करते हैं और बहुत से भाई को सस्ता माल चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि देखिए, ये कस्टमर की मांग होती है, क्योंकि कस्टमर अक्सर सस्ता मांगते हैं और ज़्यादा मांगते हैं। क्योंकि देखिए, दीपावली में अक्सर करके आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा सेल होती है मोमबत्ती की 1 रुपये बिक्री, 1 रुपये 2 रुपये बिक्री मोमबत्ती ज़्यादा सेल होती है। ज़्यादातर आपको 1 रुपये 2 रुपये मोमबत्ती आपको मिलेगी दुकानों पर, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है और सस्ती भी पड़ती है, इसमें ढेर सारा होता है, इसलिए इसकी मांग ज़्यादा होती है, कस्टमर ज़्यादा मांग करते हैं। और इसमें कितना फ़ायदा होता है हम दुकानदार को, गाइस मैं आपको ये भी बताता हूँ। अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती कितना सस्ता पड़ता है और इसका होलसेल रेट क्या है और एक पेटी के अंदर कितना डिब्बा आता है और एक डिब्बे के अंदर कितनी मोमबत्तियाँ होती हैं, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती की पेटी मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती की पेटी के अंदर कितना डिब्बा होता है और हमें ये कितने पड़ा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 पेटी लिए हुए हैं, जो गाइस मैं आपको ये पेटी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। गैस, आप देख सकते हैं, ये 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती एक पेटी के अंदर ये 35 डिब्बा है। गैस, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये 35 डिब्बा है 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती, जो कि गैस इसकी एमआरपी 20 रुपये है। अब बस ये एक डिब्बा मोमबत्ती हमें कितने पड़ा है गैस, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो गैस, आप देख सकते हैं, ये 35 डिब्बा इसमें है एक पेटी के अंदर और एक पेटी के अंदर गैस आपको इसमें भी 35 डिब्बा मिलेगा आपको इसमें भी, जो कि गैस ये दोनों पेटी एक ही साइज़ की है और एक जैसा भरती है, 35 डिब्बा इसमें भरती है और 35 डिब्बा इसमें भरती है, जो कि गाइस आप देख सकते हैं, जो कि गाइस इसकी भी बिक्री रेट
20 रुपये इसमें दिया हुआ है, यानी कि दोनों का एक ही रेट है। अब गाइस बात करते हैं कि ये एक डिब्बे के अंदर कितनी मोमबत्तियाँ हैं। तो गाइस मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि ये एक डिब्बे के अंदर कितनी मोमबत्तियाँ आती हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 20 मोमबत्तियाँ आपको मिलेंगी एक डिब्बे के अंदर, कुछ इस तरह से। गाइस आप देख सकते हैं ये एक डिब्बे के अंदर 20 मोमबत्तियाँ हैं। और गाइस ये हमें होल सेट के अंदर पड़ा है, तो गाइस मैं आपको होल सेट भी बताता हूँ कि ये हमें होल सेट के अंदर पड़ा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए इसका होल सेट है 420 रुपये, क्योंकि इस टाइम पर अभी आप लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ये दोनों पेटी हमें पड़ी है 840 रुपये की। आप गाइस 840 रुपये से भाग करेंगे दो, जो कि गाइस ये मैंने दो पेटी लिया हुआ है। तो गाइस ये एक पेटी हमें पड़ी है 420 रुपये की। अब गाइस ये एक पेटी के अंदर 35 डिब्बा है मोमबत्ती, 1 रुपये बिक्री। अब गाइस 420 रुपये से भाग करेंगे 35 डिब्बा, तो गाइस ये हमें एक डिब्बा मात्र पड़ा है 12 रुपये का। अब गाइस इसके अंदर भरती है 20 रुपये की, जो कि गाइस ये 20 रुपये में बिकने वाला है। डिब्बा भी अगर आप सेल करोगे फिर भी 20 रुपये का बिकेगा, अगर आप खुलते में सेल करोगे तो 1 रुपये में एक मोमबत्ती बिकेगी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये 20 रुपये MRP है तो 20 रुपये से कम बिकेगा। क्योंकि देखिए सबसे पॉइंट के बाद मैं आपको बता दूं कि दीपावली में मोमबत्ती कितनी सेल होती है, इतनी ज़्यादा सेल होती है कि अगर आप इसे 22 रुपये में देंगे ना फिर भी कस्टमर लेके जाएगा। मोमबत्ती अटती नहीं है दीपावली के दिन, और दीपावली में बहुत ज़्यादा सेल होता है। अगर इसकी MRP 20 रुपये है तो 110% 20 रुपये में सेल होता है, क्योंकि अगली बार बहुत ज़्यादा सेल हुआ था और मैं खुद परेशान हो गया था इस मोमबत्ती पर। क्योंकि देखिए जो 20 थी वो 25 में बिक रही थी और जो 15 में थी वो 20 में बिक रही थी। क्योंकि ये 1 रुपये मोमबत्ती एक डिब्बा 20 रुपये MRP है और इसमें बहुत अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए अभी कुछ टाइम के बाद आपको ये मोमबत्ती महंगा पड़ने वाली है, क्योंकि आपको महंगा पड़ेगा मिनिमम 13 रुपये या 14 रुपये पड़ेगा आपको ये एक डिब्बा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होगा अगर आप पहले लेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो गाइस हमें एक डिब्बा पड़ा है 12 रुपये का, जो कि गाइस ये एक डिब्बा सेल करने पे सीधा सीधा हमें 8 रुपये फ़ायदा होगा, यानी कि चाहे फुटकर में दूँ या डिब्बे में दूँ सीधा सीधा हमें 8 रुपये फ़ायदा होगा एक डिब्बा सेल करने पर। अब गाइस बात करते हैं कि एक पेटी सेल करने पे हमें कितना फ़ायदा होगा। तो गाइस ये एक पेटी सेल करने पे सीधा सीधा 280 रुपये फ़ायदा होगा ये 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती सेल करने पर। तो गाइस ये दोनों पेटी सेल करने पर हमें 560 रुपये फ़ायदा होगा, यानी इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें ये मोमबत्ती सेल करने पर 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा सेल होता है। ऐसा नहीं है कि रखा रह जाएगा इसकी सेल नहीं होगी, इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मांग होती है इसकी, बहुत ज़्यादा सेल होती है इस मोमबत्ती की। तो अगर आप इस मोमबत्ती को रखते हैं दो पेटी या चार पेटी अगर आप रखेंगे फिर भी सेल हो जाएगा, है ना, इतना ज़्यादा इसका सेल होता है। दीपावली में बहुत ज़्यादा सेल होता है, अदरवाइज बरसात के मौसम में भी सेल होता है लेकिन दीपावली में बहुत ज़्यादा सेल होता है। दीपावली में इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, कस्टमर इसकी ज़्यादा मांग करते हैं और ये 1 रुपये बिक्री मोमबत्ती बहुत ज़्यादा सेल होता है और बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है हम रिटेलर दुकानदार को। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।